80,000 रुपए की गाड़ी दे। क्या बात कर रहे हो, 80,000? हाँ जी, आज 80,000 की गाड़ी भी यहाँ टर्बो टॉयज के पास खड़ी हुई है। गाड़ी में अलॉय व्हील भी लगे हुए हैं, गाड़ी के अलॉय व्हील देख सकते हैं आप, कितने प्यारे गाड़ी के अलॉय व्हील लगे हुए हैं। चारों टायर में डलवा रखे हैं हमने। गाड़ी की इंश्योरेंस भी है। अच्छा, पेट्रोल वेरिएंट है। अच्छा, पेट्रोल वेरिएंट है। गाड़ी कहीं भी नहीं देखी है। देखो, अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री फ्री सर्विस देते हैं। ओके, आप हमारे से कोई सी भी गाड़ी लोगे हम उसकी पहली सर्विस करा के देंगे। ओके, हेलो एवरीवन, दिस इज रहबर आरिफी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल मोटो बीस्ट। और आज हम आए हुए हैं टैगोर गार्डन में टर्बो टॉयज पे, और बहुत ही लिमिटेड स्टॉक आज दिखाने वाले हैं आपको, और बहुत ही अच्छे प्राइस में, बहुत लिमिटेड स्टॉक, अच्छा स्टॉक जो आ रखा है आज टर्बो टॉयज पे आ रखा है। मैं यहाँ पे सबसे पहले सेल्स एग्जीक्यूटिव सचिन भाई को बुला लेता हूँ। सचिन भाई, प्लीज, क्या हाल है सचिन भाई? बढ़िया सर, आपकी बस बढ़िया। आपको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे व्यूअर्स की तरफ से। नमस्कार जी आपको सभी को मेरी तरफ से। और सचिन भाई, आज हम अपने व्यूअर्स को क्या क्या दिखाने वाले हैं? लग्जरी गाड़ी भी दिखाएंगे और लो सेगमेंट भी दिखाएंगे। अच्छा अच्छा, और जो प्राइस के रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं? आस्किंग प्राइस रखेंगे, फिक्स नहीं रखेंगे। अच्छा, आइए ऑन टेबल बात करिए। ओके, जो बेस्ट प्राइस होगा आपको गाड़ी देके भेजेंगे। मतलब यहाँ पे बेस्ट प्राइस आपको मिलने वाले हैं, ऑन टेबल नेगोशिएबल हो जाएगा, फिक्स प्राइस आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है? हाँ जी, दिल्ली के लिए भी लोन चल रहे हैं। ओके, और एनसीआर में अभी लोन चल रहे हैं, बाहर तो नहीं चल रहे। अच्छा, बाहर के लिए अवेलेबल नहीं है, दिल्ली एनसीआर, मतलब दिल्ली एनसीआर के लिए यहाँ पे लोन आपको अवेलेबल मिलने वाला है। बाहर वालों के लिए कोविड की वजह से लोन अवेलेबल नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए माजरत चाहते हैं पहले ही आपसे। तो आज छोटी गाड़ी से स्टार्ट करेंगे या बीएमडब्ल्यू वगैरह, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? छोटी गाड़ी से करेंगे सर। छोटी गाड़ी से स्टार्ट करेंगे, तो मतलब आज आपको छोटी गाड़ी से स्टार्ट करवाता है। i10 बहुत चलने वाली गाड़ी है। विद दिस रेड ब्यूटी की तरफ आते हैं हम। तो सचिन भाई, इसके बारे में बताइए। सर ये 11 मॉडल है, 2010। ओके, स्पोर्ट्स मॉडल है। स्पोर्ट्स मॉडल है, ओके। 45 के आसपास चलिए विद रिकॉर्ड। विद रिकॉर्ड, हाँ जी। ओके, 2011 का ये मॉडल है, स्पोर्ट्स मॉडल होने वाला है, और 35 के अप्रोक्स चली है। हाँ जी, 45 के आसपास चली हुई है। अच्छा, जेन्युइन रिकॉर्ड के साथ, मतलब 45 किलोमीटर ये गाड़ी रन है, जेन्युइन, आपको मीटर की कोई टेम्परिंग नहीं मिलेगी क्यों भैया? बिल्कुल सर, बिल्कुल जेन्युइन मिलेगा आपको। जो भी आपको कुछ भी नहीं कराना, आप मैकेनिक भी लाके चेक करा सकते हो, जब आपकी तसल्ली हो, जब भी आप गाड़ी की डील करें। ओके, मतलब आप अपने तसल्ली के लिए कोई भी मैकेनिक या किसी को भी लेके आना चाहे यहाँ पे लाके चेक करा सकते हैं, चला के देखें, पूरी तसल्ली करके यहाँ से ले जाएं। इसके जो आस्किंग प्राइस है वो क्या है? सर हमने इसकी 2.25 लाख रुपए आस्किंग रखी है। अच्छा, बाकी जो बेस्ट होगा ऑन टेबल कर देंगे। मतलब 2.25 लाख रुपए i10 स्पोर्ट्स के जो है आपको प्राइस यहाँ पे मिलने वाला है, ऑन टेबल नेगोशिएबल यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आए, गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं, अंदर से बाहर से वेल मेंटेन कंडीशन है, स्क्रैचलेस कार जिसे कहते हैं वो यहाँ पे होने वाली है। चलते हैं अपने अगली गाड़ी की तरफ, जो कि डस्टर होने वाली है, ब्लैक कलर में। सर रिनॉल्ट डस्टर है, 2013 मॉडल है। ओके, 1 लाख किलोमीटर चली हुई है, जेन्युइन रिकॉर्ड के साथ। ओके ओके, आपको कुछ नहीं कराना, आप आइए ऑफिस में बैठ के बात करिए। ओके, इस गाड़ी का 2013 मॉडल है, सेकंड ओनरशिप है। ओके, 1 लाख किलोमीटर चली हुई है, चारों टायर नए डलवा रखे हैं हमने। ओके, गाड़ी की इंश्योरेंस भी है। अच्छा, और हमने इसका प्राइस रखा है 3,55,000 रुपए की आस्किंग प्राइस। 3,55,000, मतलब 2013 का ये मॉडल है, 1 लाख किलोमीटर ये रन है, 3,55,000 गाड़ी की डिमांड प्राइस है। बाकी फर्दर नेगोशिएबल ऑन टेबल जो भी होगा आपके मान सम्मान के लिए बिल्कुल करा जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आए, गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं, वेल मेंटेन कंडीशन है, टायर भी कंडीशन बहुत अच्छी है। चलते हैं अपनी अगली गाड़ी की तरफ, जो कि व्हाइट कलर में ऑडी होने वाली है। कौन सी है? A4 है? ऑडी A3 है। A3, ओके ओके, इसके बारे में बताइए भैया। सर ये डीजल वेरिएंट है। ओके, 2014 मॉडल है, सेकंड ओनरशिप है। ओके, 58 के आसपास चली है, जेन्युइन 58 के आसपास चली हुई है, जेन्युइन चली है, और हमने इसकी आस्किंग रखी है 12,75,000। 12,75,000 गाड़ी की डिमांड प्राइस है। गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं, अंदर भी इंटीरियर देख सकते हैं, कितना प्यारा इंटीरियर बना रखा है अंदर से रेड कलर का। तो इसमें मैं आफ्टर मार्केट इंटीरियर हो रखा दिए? ये सर कंपनी फिटेड कस्टमर से ही हमारे पास एससी आई थी। अच्छा अच्छा, मतलब पीछे से गाड़ी ऐसे, इंटीरियर देख सकते हैं कितना प्यारा है, स्क्रैचलेस का। गाड़ी में अलॉय व्हील भी लगे हुए हैं, गाड़ी के अलॉय व्हील देख सकते हैं आप, कितने प्यारे गाड़ी के अलॉय व्हील लगे हुए। ये रन कितनी है अप्रोक्स? 58 के आसपास चली है, जेन्युइन रिकॉर्ड। जेन्युइन रिकॉर्ड, और इसके प्राइस? इसका 12,75,000 रुपए की आस्किंग है, सेकंड ओनरशिप। अच्छा, सेकंड ओनरशिप 12,75,000 में आपको ये मिलने वाली है, ऑडी A3। चलते अपनी अगली मर्सिडीज की तरफ भी, ये कौन सी है? सर ये मर्सिडीज है R350। अच्छा, SUV में आती है, पेट्रोल वेरिएंट है। अच्छा, पेट्रोल वेरिएंट है, गाड़ी कहीं भी नहीं देखी होगी। ओके,
ये भी हमारी 89 के आसपास चली हुई है, फर्स्ट ऑनर है। हमने इसकी आस्किंग रखी है 13 लाख रुपए। 7 सीटर कार है। 7 सीटर मतलब 7 सीटर कार आपको मर्सिडीज यहाँ मिलने वाली है। कितने प्राइस है इसके? सर इसकी 13 लाख रुपए की आस्किंग प्राइस है। 13 लाख रुपए इसकी आस्किंग प्राइस है। कौन सा मॉडल अभी है? 2012 का मॉडल है। अगर पेट्रोल वेरियंट होने वाला है। अच्छा, तो पेट्रोल वेरियंट होने वाला है। गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं, वेल मेंटेन गाड़ी की कंडीशन है। चलते हैं अपनी अगली गाड़ी की तरफ जो कि स्कोडा होने वाली है ग्रे कलर में। भैया ये कौन सी गाड़ी है? सर स्कोडा रैपिड है। अच्छा रैपिड है, डीजल वेरिएंट है। ओके 2015 मॉडल है। ओके फर्स्ट ओनर है। 65 के आसपास चली है जेन्युइन। ओके 65 के आसपास चले। 2015 का ये मॉडल है। 65 किलोमीटर गाड़ी रन है। भैया गाड़ी की जो कंडीशन, तो वेल मेंटेन गाड़ी की कंडीशन है मैं देख पा रहा हूँ, और सर्विस वगैरह सबकी प्रॉपर मिलने वाली है? सर्विस देखो भैया हम कॉम्प्लीमेंट्री फ्री सर्विस देते हैं। ओके आप हमारे से कोई सी भी गाड़ी लोगे हम उसकी पहली सर्विस करा के देंगे। ओके आपको कुछ नहीं कराना भैया, मैं फिर आपको एक बात दोबारा कह रहा हूं, आप सिर्फ आइए गाड़ी की डील डन करिए, आप गाड़ी चलाइए कहीं भी ले जाओ। ओके। लंबा भी कहीं भी ले जाओ, आपको रास्ते में भी कोई धोखा नहीं देगी गाड़ी। मतलब आपको यहाँ पे इतनी श्योरिटी मिलने वाली है, आप एक साल मार के गाड़ी कहीं पे भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली है। और जो पूरी सर्विस आपको मिलने वाली है, नहीं भी होती है तो वो ये पहली सर्विस फ्री आपको करवा के देते हैं। नंबर एड्रेस आपको यहाँ का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर लगातार स्क्रीन पे चल रहा है। टैगोर गार्डन में ये शॉप होने वाली है, जल्दी से जल्दी आए विजिट करें। और अगर कोई बाहर से लेना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर है? वो सर वो आके गाड़ी देख सकते हैं या ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। ओके उनके लिए भी देखो कई हमारी गाड़ी ऐसी भी है ऑनलाइन ही बिक जाती है, क्योंकि असल में मसला ये कोरोना की वजह से काफी लोग नहीं आ पाते तो उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। हम ट्रांसपोर्ट से गाड़ी भेज देते हैं। अच्छा हमारी कई बार कॉल पे भी गाड़ी बिक जाती है, तो यहीं से हम अपनी तसल्ली करा के तभी गाड़ी को आगे भेजते ताकि कस्टमर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी मतलब पूरी श्योरिटी आपको यहाँ पे मिलती है। आप जैसे कोरोना की वजह से काफी आजकल लोग नहीं आप घर बैठे बैठे ट्रांसपोर्ट से गाड़ी मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन भी आप जो भी क्वेरी डालेंगे जिस गाड़ी के बारे में भी उसकी पूरी डिटेल्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, फोटो से लेके ए टू जेड। और नंबर यहाँ पे कोई हाइड नहीं कर रहा, सिर्फ ब्रांड के लिए नंबर प्लेट लगा रही है, बाकी पूरा नंबर आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाला। आप चेक कर सकते हैं पूरी गाड़ी की ए टू जेड सर्विस रिकॉर्ड वगैरह। और क्यों भैया? बिल्कुल सर बिल्कुल। चलते अपनी अगली गाड़ी की तरफ जो की i20 होने वाली है। स्पोर्ट्स है कौन सी भी है? सर ये स्पोर्ट्स है। ओके 2015 मॉडल है। ओके 60 के आसपास चली हुई है। ओके फर्स्ट ओनर है और स्पोर्ट्स मॉडल है। ओके हमने इसकी आस्की रखी है 495 की। 495 मतलब 495 में आपको ये i20 मिलने वाली है, बाकी ऑन टेबल नेगोशिएबल हो जाएगा। अच्छा भैया अगर मैं कोई इस गाड़ी पे डाउन पेमेंट पे करना चाहे तो उसको कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी इस कार को? लोन के सर आपके लोन के ऊपर बात है कि आपको कितना, आप कम से कम भी कर सकते हो 2 लाख रुपए भी कर सकते हो, 1.5 लाख रुपए भी कर सकते हो। अच्छा अच्छा वो आपके ऊपर है कि आपको कितना लोन लेना कितना नहीं। अच्छा अच्छा 2 लाख रुपए आप जमा कर दो उसका लोन, बाकी का लोन करा सकते हो। 1.5 लाख में आप यहाँ पे पैसे देके गाड़ी अपने घर ले जा सकते हैं, इससे अच्छी बात और क्या है। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अवेलेबल होते हैं ईएमआई के लिए? सैलरी स्लिप वगैरह, आपका आधार कार्ड, बिजली का बिल, यही चाहिए। यही चाहिए था। और अगर कोई बाहर से बंदा आ रहा है और दिल्ली नंबर ले रहा है तो उसको एनओसी वगैरह प्रोवाइड हो जाती है भैया? सर एक दिल्ली का आईडी चाहिए होता है। अच्छा उसके बाद मैंने से निकाला मतलब हो जाते हैं, मतलब आपकी दिल्ली की आईडी किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव की हो तो आप यहाँ से एनओसी कटवा के अपने स्टेट में रजिस्टर करवा सकते हैं कोई भी गाड़ी यहाँ से ले जाके, कोई दिक्कत आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलते हैं अपनी अगली गाड़ी की तरफ। भैया इसके बारे में बताइए। सर ये 2010 मॉडल है। ओके ZXI मॉडल है, टॉप मॉडल है। ओके, सेकंड ओनर है। ओके और ये SX4 है, मारुति XS4 है। ओके ये रन कितनी है भैया? ये भी 62 के आसपास चली हुई है भैया जेन्युइन। अच्छा और सेकंड ओनर है, हमने इसकी आस्किंग रखी है 2.25 लाख रुपए। 2.25 लाख रुपए मतलब 2.25 लाख रुपए में ये गाड़ी आपको मिलने वाली है। एक बार भैया मॉडल कौन सा है दोबारा बताइए? 2010 मॉडल है, ZXI वेरिएंट है। 2010 का मॉडल है, ZXI मॉडल होने वाला है, टॉप मॉडल होने वाला है। अलॉय व्हील भी लगे हुए गाड़ी में, गाड़ी कंडीशन देख सकते हैं, वेल मेंटेन गाड़ी की कंडीशन है। चलते अपनी अगली गाड़ी की तरफ, वो दिखाते हैं जो कि ऑफिस पे मेन इनका जो ऑफिस है वहाँ पर है, तो वहाँ लेके चलते हैं आपको। सो गाइज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पीछे टर्बो टॉयज का ऑफिस है, ये इनका मेन ऑफिस है टैगोर गार्डन में जो होने वाला है। तो हम आपको दिखाने रह गई थी 3 गाड़ियां, वो आपको जल्दी से दिखा देते हैं। तो भैया i10 के बारे में बताइए। 2011 मॉडल है। ओके एरा वेरिएंट है, 55,000 चली है, फर्स्ट ओनर है। ओके हमने इसकी आस्किंग रखी है 2.25 लाख रुपए। 2.25 लाख रुपए 2011 का मॉडल, 2011 का ये मॉडल है, 2.25 लाख गाड़ी का प्राइस है। गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं, वेल मेंटेन कंडीशन है। 2 i10 आपको दिखाई, एक रेड कलर की सबसे पहले दिखाई थी और एक, ये दोनों कलर अवेलेबल है। और
ये 2011 का ये मॉडल होने वाला है। चलते अपनी अगली गाड़ी की तरफ, इको स्पोर्ट, वो दिखाते हैं आपको। तो चलते अपनी अगली गाड़ी इको स्पोर्ट की तरफ, ऑरेंज कलर की गाड़ी, कंडीशन देख सकते हैं कितनी प्यारी चमचमाती हुई गाड़ी भी है। इसके बारे में बताइए सर, ये 2016 मॉडल है। ओके, फर्स्ट ओनर है, 65 के आसपास चलिए जेन्युइन। ओके, और जेन्युइन कंडीशन में आपको कुछ नहीं कराना, सर्विस वगैरह हम सब करा के देते हैं। हमने इसकी आस्किंग प्राइस रखी है 5,25,000। जब आप आओगे जो बेस्ट होगा आपको गाड़ी देके ही भेजेंगे। ओके, मतलब 2016 का ये मॉडल होने वाला है। गाड़ी कंडीशन देख सकते हैं, वेल मेंटेन गाड़ी की कंडीशन है, स्क्रैचलेस कार जिसे कहते हैं, नेक्स्ट शोरूम कंडीशन में गाड़ी खड़ी है। टायर भी घिसे हुए नहीं है, देख सकते हैं आप टायरों की कंडीशन भी। इसके जो प्राइस है क्या है? 5,25,000 रुपए की आस्किंग रखी है। जब आप आते हो विजिट करिए, जो बेस्ट होगा आपको देके भेजेंगे। और आपको एक बात और बताना चाहूँ, टर्बो प्राइस आपको 80,000 रुपए में गाड़ी देगा। क्या बात कर रहे हो भैया, 80,000? हाँ जी, आज 80,000 की गाड़ी भी यहाँ टर्बो टॉयज के पास खड़ी हुई है, उसके पास लेके चलते हैं आपको, वो दिखाते हैं। तो चलते हैं अपनी सस्ती और जानदार गाड़ी की तरफ जो कि आज होने वाली है। भैया इस गाड़ी के बारे में बताइए। भैया 2007 मॉडल है। अच्छा, 69 चलिए, अभी जेन्युइन रिकॉर्ड के साथ। ओके, टायर भी चारों नए पड़े, स्टेपनी का टायर भी नया है। अच्छा, आपको कुछ नहीं कराना, बहुत अच्छी गाड़ी है, फर्स्ट ओनर है। 2007 का मॉडल है, 2007 का ये मॉडल होने वाला है। 69,000 किलोमीटर गाड़ी है, रन है, गाड़ी कंडीशन देख सकते हैं, वेल मेंटेन कंडीशन है। टायर जो है वो भी नया, स्टेपनी का टायर भी अनयूज्ड है। क्यों भैया? हाँ जी, इसमें टायर सारे नए डले हुए हैं, कस्टमर से ही हमारे पास ऐसी बड़ी संभाल के रखी थी कस्टमर। मतलब आप इस गाड़ी को जैसे आप अगर सीखने के पर्पज से लेना चाहे तो उसके लिए बेस्ट है, और मतलब डेली यूज के लिए भी ये गाड़ी बेस्ट है। तो इसके जो प्राइस है वो क्या होने वाला है? सर हमने इसकी 80,000 रुपए आस्किंग प्राइस रखी है। 80,000 रुपए? हाँ जी। और उस पे फर्दर नेगोशिएबल अगर होना चाहे तो? बिल्कुल, जो बेस्ट होगा कर देंगे। 80,000 के बाद भी आपको यहाँ पे फर्दर नेगोशिएबल मिल जाएगा, ऑन टेबल आते हैं। तो ये सारा भैया का स्टॉक था जो आपको दिखाना था। जल्दी से जल्दी आए टर्बो टॉयज पे, अपनी गाड़ी की बुकिंग करवाएं और लेके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।